कौन सा तमाशा लगाने आई हो तुम यहाँ पे? मैं कोई तमाशा लगाने नहीं आई, आपको हकीकत दिखाने आई। फलक, मेरी बर्दाश्त को और मत आजमाओ, समझ आई? घर जाओ, मैं बात करता हूँ तुमसे। कैसे करेंगे आप मुझसे घर पे बात? किंजा भाभी के होते हुए कोई बात नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने शहनाज को सच बोलने से रोक दिया। फलक, अगर तुमने एक लफ्ज किंजा भाभी के खिलाफ बोला ना, तो मैं अपनी बर्दाश्त खो दूंगा। वो तो आप ऐसे ही खो चुके हैं जिस दिन आपने मुझ पर हाथ उठाया था। आपको पता, कोई सेंसिबल शख्स ऐसी हरकत नहीं करता। कह रहा हूं ना, घर जाओ, घर के मसले यहाँ ऑफिस में नहीं सुलझाए जाते हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन ये झगड़ा घर में नहीं सुलझाया जा सकता। क्या मतलब? आपको क्या वाकई में लगता कि मैंने अपने बच्चे की जान ली है? सिर्फ एक खूनी रिश्ता था जो मेरा जिंदगी में आने वाला था। हर दिन मैंने उसका इंतजार किया आने का, मैं कैसे अपने बच्चे की जान ले सकती हूँ? फिर वही बकवास, तो मेरी एक बात का जवाब। आप पहले मेरी बात का जवाब दें। मैं घर से बाहर नहीं जाती, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, तो वो दवाइयाँ मेरे दराज में क्या कर रही थी, कैसे आ गई वो, आपने कभी सोचा इस बारे में? और ये देखें, ये वो रसीद है जो मुझे किंजा भाभी के रूम से मिली, इसमें मेडिकल स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है। ये गोलियां मैं कैसे ले सकती हूँ, और ये गोलियां मेरी मेडिसिन में कैसे आ सकती हैं? शायद मेरे खुदा ने मेरी बेगुनाही का सबूत देना था, ये सबूत घर रह गया। ये उसी हॉस्पिटल की फार्मेसी की रसीद है जहाँ पे सोहेल भाई का इलाज होता है।